नमस्कार आमार चैनेले सकल के स्वागत। आज आमी आलोचना करब वेस्ट बेंगल बोर्डेर क्लास 12 संस्कृत सिलेबास सम्पर्के। जेकोनो विषयेर सिलेबास सम्पर्के सठिक धारणा थाकले विषयटी खूब सहजेई बोधगम्य हय। आर आलोचना करा जाक संस्कृत सिलेबासे कि आछे। प्रथमेई आछे प्रोस अर्थात गद्यांश। एखाने दुटी गद्य आलोचना करा हयेछे। प्रथमटी हलो त्रिविक्रम भट्ट विरचित नलचम्पू नामक चम्पूकाव्येर प्रथम उच्चास आर्यावर्त वर्णनम। एखाने प्राचीन भारतेर आर्यावर्त नगर सम्पर्के सुंदर वर्णना करा हयेछे। आर द्वितीयटी हलो श्री गोविंदकृष्ण मोदक विरचित चौरचत्वारिंशी कथा ग्रंथेर बनगत गुहा। एई गल्पटी आमरा कम बेशी सबाई जानी। छोटोबेला आमरा आलिबाबा 40 चोर सम्पर्के एकटी गल्प पढ़ेछिलाम। एई गल्पटी हच्छे आलिबाबा 40 चोर गल्पेर एकटी अनुवाद गल्प। एरपरे आछे भार्स अर्थात पद्यांश। तोमादेर सिलेबासे दुटी पद्य आलोचना करा हयेछे। प्रथमटी हलो शंकराचार्यकृत श्री गंगा स्तोत्रम। एखाने देवी गंगार प्रति स्तुति करा हयेछे। एर मध्ये 10टी श्लोक तोमादेर पाठ्यांशे रयेछे। एबं परेर पद्यटी हलो श्रीमद् भगवत गीतार 3 अध्याय निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोगेर 11टी श्लोक तोमादेर पाठ्यांशे वर्णना करा हयेछे। परे आछे ड्रामा अर्थात नाटक। श्री कृष्णमाचार्य विरचित बासंतिक स्वप्नम नाटकटी तोमादेर एई पाठ्यांशे आछे। एरपरे आछे संस्कृत साहित्येर इतिहास। संस्कृत साहित्य इतिहासेर मध्ये नाट्य साहित्य गीतिकाव्य विज्ञान और कारिगरी चर्चा विषयक आलोचना करा हयेछे। एरपर आज तुम्हारे भाषा तत्व। एरपर आसछे सबथेके गुरुत्वपूर्ण अंश, ता हच्छे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण खूबई गुरुत्वपूर्ण, कारण जारा परवर्तीते संस्कृत अनार्स निये पढ़बे बा संस्कृत विषय एगोबे तादेर जन्य ग्रामारटा खूबई काजे लागबे। एर जन्य एई व्याकरणटा खूब भालोभाबे आमादेरके मन दिये पढ़ते हबे। एई व्याकरणेर मध्ये आछे कारक, समास, प्रत्यय, शब्दजुगलेर अर्थ पार्थक्य एबं एक कथाय प्रकाश। एरपरे आसछे संस्कृते अनुवाद। एर आगे आमरा बांगलाते अनुवाद करेছি, संस्कृत के बांगलाते अनुवाद करेছি आमरा इलेवेने पढ़ते। किन्तु एबार क्लास 12 तोमादेरके संस्कृते अनुवाद करते हबे, अर्थात बांगला बा इंग्रेजी के संस्कृते अनुवाद करते हबे। एबं सब शेषे थाकছে तोमाদের একটা निबंध रचना, अर्थात जे कोनो विषये একটা तोमाদেরকে 5টি বাক্যে रचना लिखते हबे। সেটা खूब सहज এবং সরলভাবে तोमाদেরকে লিখতে হবে। আচ্ছা, এই হচ্ছে তোমাদের সিলেবাস। এবার দেখে নেওয়া যাক মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে হচ্ছে। এবার আমরা নম্বর বিভাজনটা দেখে নিই। দেখো, सम्पूर्ण गद्यांश थेके थाकबे 12 नम्बर, दुटो गद्य मिले थाकबे 5 नम्बर एक लंग कोश्चेन, 1 नम्बर करे 4टा थाकबे एमसीक्यू एबं 1 नम्बर करे 3टा थाकबे शर्ट कोश्चेन। एकई भावे पद्य एबं नाटकेओ थाकबे। एरपरे थाकबे एकटा एम्प्लिफिकेशन अर्थात भाव सम्प्रसारण। सेटा गद्य पद्य जे कोनो जायगा थेके होते पारे। एकटा गुरुत्वपूर्ण लाइन तुले देबे एबं सेटा तोमादेरके संस्कृते लिखते हबे। एरपर थाकছে संस्कृत साहित्यের इतिहास। সেখান থেকে থাকবে 5 নম্বরের একটা লং কোশ্চেন, 3টে থাকবে এমসিকিউ এবং 2টা থাকবে শর্ট কোশ্চেন। এরপর আমরা দেখছি গ্রামার বা ব্যাকরণ। ব্যাকরণ থেকে আমাদের থাকবে সম্পূর্ণ 15 নম্বর, কারক থেকে থাকবে 1 নম্বরে 3টা কোশ্চেন, সমাস থেকে থাকবে 2 নম্বরে 2টো এবং অর্থপার্থক্য এক কথায় প্রকাশ, পরিনিষ্ঠিত রূপ সবগুলো থেকে থাকবে 1 নম্বরের কোশ্চেন। এইভাবে টোটাল হবে 15 নম্বর। ভাষা দপ্তর থেকে থাকবে একটা বড় প্রশ্ন 5 নম্বরের, संस्कृते अनुवाद करते हबे 5 नम्बर और निबंध बा प्याराग्राफ रचना थाकबे 5 नम्बर। एइभावे तोमादेर 50 नम्बर थाकबे लिटारेचार थेके, 30 थाकबे व्याकरण थेके और 20 थाकबे तोमादेर प्रोजेक्ट। एइभावे तोमादेर 100 नम्बरेर एग्जाम हबे। भिडियोटी भालो लागले चैनलटी सबस्क्राइब करो और लाइक और कमेंट करो और बंधुदेर साथे शेयर करो।